ये क्या है भाई, देखना। ओ भाई ये क्या क्या है पता नहीं, काफी बड़ी है मूर्ति शिव जी की। नहीं यार, कौन सा बस में जाना है तो कोई बता नहीं रहा है हम लोग को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मानी ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले चिक बेरापुर, और चिक बेरापुर में आता है ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन वहाँ पर है, बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति, वही देखने के लिए आज हम जाने वाले। तो उधर जाने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से मूर्ति वाली शिव जी की। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं नाश्ता, मतलब यहाँ पे खाना खा के जाएंगे, और खाना खाने के बाद उधर जाएंगे। अभी रेडी हो ना दो थे तो मैं रेडी हो चुका, लेकिन कपड़े चेंज करने हैं मेरे वाले, तो उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली हमारा नाश्ता करके हो चुका है, और मेरे रूम की लाइट चली भी गई थी, और मोबाइल में चार्ज भी बहुत कम था, तो इसलिए मैं चार्ज करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। नीचे इन्वर्टर है और इन्वर्टर पर चार्ज लगाऊंगा उसके लिए। उसके बाद फिर हम चलेंगे चिक बेरापुर। तो फाइनली हम रेडी हो चुके, तो मेरे साथ आने वाला रोहन और मैं, हम दोनों जाने वाले हैं आदि योगी। और ये वाला कपड़ा मैंने पहना है, और मोबाइल भी मैंने चार्ज कर लिया फुल, तो लाइट गया था तो चार्ज नहीं था, तो नीचे जाके मैंने चार्ज भी कर लिया। अभी हम फाइनल निकल रहे हैं आशापुर के लिए ऑटो, और ऑटो से जाएंगे अभी हम। फाइनली अभी हम पहुंच गए नरसापुर, तो यहाँ से चलते हैं वेमगल। वेमगल के लिए ऑटो ढूंढना पड़ता है, उस साइड में लगता है शायद ऑटो। क्या है भाई, देखना। ओ भाई ये क्या क्या है पता नहीं, क्या प्रोग्राम क्या अभी इधर। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वेमगल, तो अभी हम बैठे हैं ऑटो में बैठ के जाते हैं हम वेमगल। अभी हम पहुँच गए वेमगल, तो यहाँ से अभी हमें जाना है चिक बेलापुर, और यहाँ से मिलेगी बस मिलेगी यहाँ से। तो फाइनल हमारी बस आ चुकी है अभी चिक बेलापुर जाने के लिए, तो अभी देखते कब तक आती है अभी बस। तो फाइनली बस गए अभी हम चिक बेलापुर बस में, तो यहाँ से अभी हम चलते चिक बेलापुर। फाइनली पहुँच गए हम चिक बेरापुर बस स्टॉप, और यहाँ पे आने के लिए मतलब लगभग 1.5 घंटा लगा हमें। और यहाँ से ये वाला चिक बेरापुर बस स्टॉप है, यहाँ से भी हम ढूंढते ईशा टेम्पल के लिए कहाँ से बस जाती है। तो भाई को ज़्यादा प्यास लगी इसे पानी पी रहा है अभी, ये यहाँ से पानी लेगा पीने के लिए। वो अभी हम फाइनली बैठ गए बस में, तो ये जाएगी ईशा फाउंडेशन की तरफ। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अभी ईशा फाउंडेशन की तरफ। ये वाला देख सकते हो, वो ईशा टेम्पल है, और इस साइड में देख सकते हो इधर पार्किंग एरिया है, और जब भी आओगे तो आप इधर पार्किंग एरिया मिल जाएगी। हम चलते हैं आदियोगी की तरफ, और उस साइड में देख सकते हो शिव जी का मूर्ति है ये वाला, और उधर जाके आपको दिखाते किस तरह से है। तो और वैसे भी काफी धूप है अभी यहाँ पर अभी, और गर्मी का मौसम भी चल रहा है ना, तो काफी धूप लग रही है अभी हमें। तो इस साइड में इधर का एंट्रेंस है, इधर से अभी हम चलते हैं अंदर। अभी हम निकलते चप्पल, और यहाँ पे चप्पल स्टैंड है, कहाँ पे रखना देखते अभी। यहाँ पे अभी निकलते शूज हमारे, ये है शिव जी के अंदर जाने का एंट्रेंस, तो यहाँ से अभी हम चलते आगे। ये आगे वाला देख सकते हो शिव जी का मूर्ति, वो काफी बड़ा है, और उधर पास में जाके आपको दिखाते हैं किस तरह से। तो और काफी मस्त लग रहा है, और अभी साइड में देख सकते हो पूरा इधर पहाड़ी है, इस साइड में पूरा पहाड़ी पहाड़ी दिखेगा आपको। काफी बड़ी है मूर्ति शिव जी की, और इसकी हाइट है 115 फीट, और काफी बड़ी मूर्ति है वाली। पास में जाके देखते हैं शिव जी के टेम्पल को। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और इस तरह से कुछ ये वाली मूर्ति है, और धूप ज्यादा होने के कारण पैर बहुत ज्यादा जल रहे हैं भैया हमारे। और इस साइड में देख सकते हो पूरा पहाड़ी ही पहाड़ी है, और इधर भी पहाड़ी है, सभी इधर पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच में ये वाला शिव जी का मंदिर बना दिया है। अभी हम प्रदक्षिणा ले रहे हैं अभी हम इसके शिव जी का, और यहाँ पे देखो त्रिशूल का ये लगा के रखा है कंपाउंड। शिव जी का मंदिर ईशा फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है, और अभी गर्मी का मौसम है इसलिए हमारे पैर भी ज्यादा जल रहे हैं। तो अब इसके छाव में चलते हैं, तो देखते कहाँ तक छाव। तो इधर आसपास में किधर भी आपको छाव नहीं दिखेगी, और इसका जो भी काम है ना पूरा अभी तक बन रहा है, लगभग 1 साल हो गया ये वाला शिव जी का टेम्पल बन के, फिर भी अभी इसका काम आधा हो रहा है, और इधर भी कुछ काम चालू है कंस्ट्रक्शन का। तो हमारा फाइनली ये वाला आदियोगी एक्सप्लोर करके हो चुका है, इस तरह से ये वाला आदियोगी था। अभी हम चल रहे हैं सीधा चिक बेरापुर। फाइनली अभी हम पहुंच गए हमारे पोस्ट ऑफ पर, तो यहाँ से अभी हम देखते हैं हमारी बस कहाँ पर है। और सबसे हमारी दिक्कत यही जाती पढ़ने में, ये है कर्नाटक लैंग्वेज, ये तो हमको पढ़ने भी नहीं आती है, क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी को पूछ पूछ के देखना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को तो ये वाली लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है कन्नडा। उसमें यार कौन सा बस में जाना है तो कोई बता नहीं रहा है हम लोग को, कौन सा बस लगता है पूछ के देखे एक बार कौन सा लगता है। तो
तो फाइनल पहुंच चुके हैं अभी हम वेमगल, तो यहाँ से अभी हम चलते हैं नरसापुर। अभी ऑरेंज जूस, लेमन जूस और मेनली ऑरेंज जूस यहाँ से अभी हम पीते। तो चलो फिर अभी हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं नरसापुरा, तो उधर जाने के बाद बात करते आपसे। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए नरसापुर। तो आज है संडे, तो संडे मार्केट भी भरा है, तो देखते हैं सब्जियाँ वब्जियाँ लेने के। तो फिर से कुछ सब्जियाँ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे रूम पर। या फाइनली हो चुका है हमारा मार्केट करके, तभी हम जा रहे हैं रूम पर। तो फाइनल अभी हम पहुंच गए रूम पर। मधु भाई का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे भाई। मधु कब से खड़ा है? मेरे को लेना, मैं लेगा तब ना फिर खिलाएगा। क्यों? हैप्पी बर्थडे मधु भाई। और कौन बाकी? ये ले भैया। हां हां, फाइनली हम लोग का खाना पीना हो चुका है। और अभी मैं आया हूँ तो छत पे, छत पर तैरने के लिए। और आज हम गए थे ईशा फाउंडेशन, जो कि ईशा फाउंडेशन की तरफ से आदियोगी बनाया गया था, और काफ़ी मस्त था और काफ़ी बड़ी मूर्ति वाली। और वहाँ पे जाके मतलब अभी वहाँ पे गया था ना, सब कुछ नए नए जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था चालू था, लेकिन 1 ईयर हुआ उसको कंप्लीट हुए, फिर भी अभी तक काम चालू है फिर भी। और यहाँ पे मतलब एक कर्नाटक में आता है और एक आता है तमिलनाडु में, जो कि कोयम्बतूर में आता है। वो काफ़ी बड़ा है, मतलब हाइट में सेम ही है, लेकिन उसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तो काफ़ी सही था। और अभी आपको दिखा जाएगा किस तरह से नहीं था। फिर उधर से आए थे, मतलब देखा तुरंत ही देखा, और धूप इतना ज़्यादा थी ना, तो ज़्यादातर हम देर तक हम रुके नहीं, ना ही ज़्यादा ब्लॉग बनाए उसके बारे में, लेकिन जिस तरह से था आपको दिखा दिया, और काफ़ी सही था। उधर से आने के बाद फिर अभी रूम पर आए, खाना वाना बनाया, फिर खाना खा के अभी ऊपर रहने के लिए। तो साथ ही में ये वाला ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग में, चलो बाय।